आज की युवा पीढ़ी से अगर पूछ लिया जाए कि महाभारत क्या है, महाभारत में क्या हुआ, चलो रामायण का पूछ लो कि रामायण में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो नहीं बता पाएंगे। उनसे इतना पूछ लेना कि प्रभु श्री राम कौन थे, क्या कारण था प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, क्या कारण था माँ सीता का हरण हुआ, उनको नहीं पता। आज हम जिस प्रकार अपने ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं, जिस प्रकार हम अपनी सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर पाश्चात्य संस्कृति आ रही, वैसे वैसे हम बच्चों के, युवा पीढ़ी के अंदर बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो इसका कारण केवल हमारे माता पिता के हाथ में है। हम पिताओं से नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो घर से बाहर रहते हैं, घर का काम करते हैं और ज़्यादा समय बच्चों के साथ नहीं बिता पाती। लेकिन हमारी माताएं बच्चों के साथ रहती हैं हर वक्त, और बच्चे अधिकतर अपनी माता की बातों को मानते हैं। इसीलिए माताओं से निवेदन है कि आप इस बात का ध्यान रखें, और हमें पता है कि आपको हमारी बात थोड़ी बहुत बुरी भी लगी है, लेकिन ये सच है, हमने अपनी आँखों से देखा है, उस भाव को महसूस किया है। हम अक्सर जाते हैं इधर उधर तो कहीं भी देखते हैं तो बस लड़ाई झगड़ा नशा इत्यादि ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन कोई अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता, उसके संस्कारों पर ध्यान नहीं देता। पर एक बात याद रखना, कोई कहते हैं कि बच्चा बुरा कर रहा है तो बच्चे को लोग बुरा कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा अच्छा करेगा, अच्छा कर्म करेगा, कुछ भी करेगा, तो सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि इसके माँ बाप के संस्कार ऐसे हैं कि बच्चे ने अच्छा काम किया है। अगर वो बुरा करेगा तो दुनिया ये नहीं कहती कि इसने बुरा किया है, इसने गलत किया है, दुनिया ये कहती है कि इसके माँ बाप के संस्कार ऐसे थे, इसके माँ बाप ने सिखाया ही ऐसा था कि ये आज बुरा बना है। हम अपनी ओर से प्रयास कर सकते हैं, बाकी तो अगले व्यक्ति का वो कर्म होता है। और अगर धर्म की शिक्षा की बात हो तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे इसी देश में राजस्थान की धरती से कर्माबाई का ले लो। कर्माबाई इतनी बड़ी भक्त हुई है, उसके संस्कार, उनके जो भाव थे वो सारे उनके पिता से उन्हें मिले थे। जिस प्रकार उनके पिता प्रभु की सेवा में लगे थे, जिस प्रकार वो प्रभु की सेवा करते थे, वो भी अपनी पुत्री से वैसी सेवा करवाते थे। एक कर्माबाई की छोटा सा भाव है कि एक बार कर्माबाई प्रभु से बातचीत कर रही थी, और जिस प्रकार वो बात कर रही थी, जैसे हम आमने सामने बात करते हैं, वैसे ही वो ठाकुर जी से बात करती थी और प्रभु को अपने पुत्र के समान मानती, उनको लाला कहकर बुलाती थी, अपना बेटा मानती थी। तो कर्माबाई ने सोचा कि क्यों ना एक दिन अपने हाथ से कुछ ऐसा बनाऊं कि मेरे लाला को अच्छा लगे। तो ठाकुर जी से पूछा, लाला तुझे क्या खाना है? ठाकुर जी ने कहा, मैया अगर खिलाना चाहती हो तो अपने हाथ से मुझे खिचड़ा खिला दो, मेरे लिए खिचड़ी बना दो। कर्माबाई ने तुरंत सुबह सुबह उठती और सबसे पहला काम था खिचड़ी बनाना, और ठाकुर जी उस खिचड़ी को खाते, पानी पीते, मुंह साफ करके अपने मंदिर में चले जाते। भक्त आते उससे पहले मंदिर में उपस्थित होते,
बहुत टाइम बीत गया, बहुत समय निकल गया मैया के लाला के प्रेम को इस प्रकार। तो एक बार एक संत आई, संत जी ने देखा कि कर्माबाई सुबह सुबह उठती हैं और सीधा खिचड़ी बनाने लग जाती हैं, तो संत जी को बड़ा बुरा लगा, कर्माबाई को डांट लगाई और कहा कि अरे देवी ऐसा क्या कर रही हो, आपको पता नहीं कि सबसे पहले सुबह सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, स्थान साफ करना चाहिए, आप तो सीधे खिचड़ी बनाने लग जाती हैं। कर्माबाई ने कहा बाबा क्या बताऊं, मेरा जो लाला है वो सुबह सुबह जल्दी आ जाता है, उसको बड़ी भूख लगती है तो इसलिए सुबह सुबह उसके लिए बनानी पड़ती है। तो संत जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, पहले पूजा पाठ करके फिर ही बनाओगी। कर्माबाई ने कहा ठीक है जैसा आप बोल रहे हैं। अगले दिन कर्माबाई जब स्नान करने गई तो इधर ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने आवाज लगाई, बोले मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कर्माबाई ने कहा लाला बस थोड़ी देर रुक जा, स्नान करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाई तो कर्माबाई ने कहा लाला थोड़ी टाइम और रुक जा, बस थोड़ी सी पूजा पाठ बाकी है वो पूरा कर लो। कर्माबाई ने पूजा पाठ किया, स्थान को साफ किया, उसके बाद खिचड़ी बनाई। इतने में देरी हो गई, प्रभु ने जल्दी जल्दी से उस खिचड़ी को खाना शुरू किया, बिना पानी पिए श्री ठाकुर जी भागे भागे अपने मंदिर में आ गए। और जब मंदिर में आए और पुजारी जी ने जब पट खोले, मंदिर के द्वार खोले, तो सामने देखा कि ठाकुर जी के भगवान के आज मुख पर खिचड़ी लगी थी। बोले प्रभु आपके मुख पर खिचड़ी कैसे लगी है? बोले क्या बताऊं, ये जो संत जी हैं उन संत जी ने मेरी मैया को न जाने क्या पट्टी पढ़ाई है कि आज मेरी मैया ने खिचड़ी बनाते हुए देर कर दी, और देर कर दी और वैसा स्वाद भी नहीं मिला जैसा स्वाद पहले होता था। तो पुजारी जी ने कहा प्रभु क्या करूं? तो कहा कि जाओ उस संत से बात करो, उसको समझाओ कि मेरी मैया को ऐसी पट्टी ना पढ़ाएं। अब बाबा जी के पास आए पुजारी जी, पुजारी जी ने सारी बात कह दी कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, ठाकुर जी का निवेदन है। अब जैसे ही बाबा जी को पता चला, बाबा जी तो तुरंत कर्माबाई के पास गए, कर्माबाई से कहा अरे देवी जैसा तुम पहले करती थी तुम वैसे करो, ये पूजा पाठ तो हमारे लिए है तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो बस अपने ठाकुर को बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाकर खिला दिया करो। और ठाकुर जी खिचड़ी खाते, प्रेम से भोग लगाते, लेकिन मेरे ठाकुर कभी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करते, और ये संसार की रीत है, जो संसार में आया है वो जाएगा। कर्माबाई ने एक दिन इस धरा का त्याग करके प्रभु के धाम को प्रस्थान किया। उस दिन मेरे ठाकुर के नैना से अश्रु बहने लगे। जब पुजारी जी ने पट खोला, मंदिर के जब द्वार खोले, तो सामने देखा कि भगवान की मूरत के नैना से अश्रु धारा बह रही है। पूछा पुजारी जी ने प्रभु क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा क्या बताऊं, आज मेरी मैया ने इस धराधाम को छोड़कर मेरे लोक को आई है, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा, कौन मुझसे बातें करेगा? पुजारी जी ने कहा प्रभु हम आपकी मैया की कमी को, उस कमी को कम तो नहीं कर सकते, पर प्रयास करेंगे अवश्य, और आज के बाद हम आपके लिए प्रतिदिन अपने हाथों से खिचड़ी बनाएंगे और सबसे पहले आपको भोग लगाएंगे।
और आज भी भगवान जगन्नाथ के यहाँ खिचड़ी का भोग लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी मैया ने, हमारी कर्माबाई ने ठाकुर जी को भोग खिचड़ी से लगाया था, इसीलिए आज भी खिचड़ी का भोग जगन्नाथ जी को चढ़ता है। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संतों के इस धरा की परंपरा, ये भाव है। यही भाव अपने बच्चों को सिखाएं। तो आइए सुंदर भजन का आनंद लेते हुए श्री ठाकुर जी को याद करें।